हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बंसल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। स्टूडेंट्स, आपको पता है जैसे कि केवीएस की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और ऑलरेडी हमारे केवीएस के बैचेस शुरू हो गए हैं। तो आज आपके सामने मैं एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ कि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम थी, कई मैसेज आ रहे थे कि हमें सिलेबस समझाया जाए कि क्या पेपर में हम पढ़ के जाएँ, क्या छोड़ के जाएँ, कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी ना पढ़ें। सबसे बड़ी बात होती है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना है और क्या छोड़ के जाना है। तो स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान से देखें, आप जो आपकी नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन में ही ऑलरेडी मेंशन कर दिया सीबीएसई ने कि जो आपका एग्ज़ाम रहेगा वो एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। सीबीएसई की खासियत है जो वो पेपर लेती है वो एनसीईआरटी बेस्ड एग्ज़ाम लेती है। तो आपका जो पेपर है, नंबर एक पॉइंट, अब आप ध्यान से नोट कर लें जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपने 6th to 10th की जो एनसीईआरटीज हैं वो बेसिक से स्टार्ट करके कंप्लीट अपनी एनसीईआरटी 6th to 10th क्लास की पढ़नी है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार रिवीजन करनी है। अब बहुत सारे ऐसे कुछ कैंडिडेट्स, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको समझ में ही नहीं आता कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ा जाए। तो एनसीईआरटी पढ़ना भी एक आर्ट है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते तो आप हमारे बंसल एकेडमी के इंस्टीट्यूट के नोट्स प्रेफर कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जो कि एनसीईआरटी का ही क्रक्स है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि सीबीएसई जो है आपका जो पेपर एग्जाम पैटर्न लेगी, आपका जो पेपर पैटर्न रहेगा वो एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। नंबर दो पॉइंट, अब एनसीईआरटी को पढ़ा कैसा जाए। तो स्टूडेंट्स, आपके जो चैप्टर मेंशंस हैं, आपके जो चैप्टर मेंशन है बुक में, फॉर एग्जांपल अगर मैं 9th क्लास की एनसीईआरटी बात करूं, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, तो आपका जो चैप्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंच रेवोल्यूशन है, आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन एनसीईआरटी में से पढ़ लिया, आप फर्स्ट एक बेसिक रीडिंग लगा के उसमें से जब आप सेकंड रीडिंग लगाएं तो आप प्रॉपर अपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करते चलें। आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर होने चाहिए, जैसे कि एग्ज़ाम तो आए ही, आई थिंक 4 साल बाद रहा है, तो आपके पास जो पिछले पेपर हुए हैं एटलीस्ट 2 या 3 पेपर, वो आप देखें कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, किस चैप्टर में से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप इतना कर लें तो आपकी 80% प्रिपरेशन ऐसी हो जाएगी। इनकेस अगर आपको दिक्कत आ रही है कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाए, खुद से नहीं पढ़ सकते, या एनसीईआरटी में से नोट्स कैसे बनाए जाएं, ठीक है, एनसीईआरटी के नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं कि आप पूरी बुक दोबारा से लिख दें। एनसीईआरटी की अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि नोट्स कैसे बनाए जाएँ, तो स्टूडेंट्स आपकी इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम हैं। आप हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर हैं उन पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरी ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस जो है केवीएस के स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें कि ऑनलाइन बैचेस की मैं आपको फैसिलिटी बता दूं, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको लाइव लेक्चर्स, असाइनमेंट्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज, कंप्लीट पैकेज आपको दिया जा रहा है केवीएस के लिए। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले जितने भी जो एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू। बंद होने टाइम लगता ना।